राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। भाजपा में कोई सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहा है तो कोई उनका आभार जताते हुए नहीं थक रहा है। मऊ की एक जनसभा में पीएम मोदी के एक्समैन और भाजपा के एमएलसी ए के शर्मा को भरे मंच से पूर्व भाजपा सांसद हरि नारायण राजभर ने यूपी का अगला सीएम बनवाने का ऐलान किया है। जी हां, शर्मा जी भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। के लिए काम करेंगे, जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। मैं अब जरा बलिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह की खुशी देखिए। बलिया की महिला डीएम अदिति सिंह के स्थानांतरण पर बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर की है। इतना ही नहीं, विधायक ने कहा कि डीएम स्वेच्छाचारी थी, कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल अक्षम और संवेदनहीन महिला थी। उनको किसी भी जिले में जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति करना समाज के लिए न उचित है और न लाभप्रद है। इसलिए मैं इस विषय को मुख्यमंत्री के यहाँ बलपूर्वक उठाया था। जिले के सभी नेता लोग थे लेकिन इस विषय को नहीं उठा सके। मुझे खुशी है कि ऐसे भ्रष्ट स्वेच्छाचारी डीएम को पूज्य महाराज ने मेरे आग्रह पर तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। देखिए पत्रकार जी, ये तो जिलाधिकारी का आना जाना सतत प्रक्रिया है प्रशासन की, लेकिन चूंकि यह जो महिला डीएम थी स्वेच्छाचारी थी और अब कहना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल अक्षम और संवेदनहीन महिला थी, उसको किसी भी जिले में जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति करना न उचित है, न समाज के लिए लाभप्रद है। इसलिए मैं इस विषय को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बलपूर्वक उठाया था। जिले के सभी नेता लोग थे लेकिन इस विषय को नहीं उठा सके थे। मैं प्रबल जो है रूप से इसका विरोध करके और पूज्य महाराज जी से आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि ऐसी भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी डीएम को महाराज जी ने तत्काल प्रभाव से मेरे आग्रह पर हटा दिया है। मुझे खुशी है, कम से कम एक संवेदनशील अधिकारी, किसी भी सत्ता के लिए संवेदनशील अधिकारी समाज का एक दर्पण होता है। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब तक समाज की बातों को कोई सुनेगा नहीं तब तक आदमी व्यवस्था नहीं दे पाता है। ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। गरीबों की बात तो बात छोड़िए, किसी भी परिस्थिति में वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और मुझे खुशी है कि दो तीन महीना ही रह पाई और पूज्य महाराज जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और इसका संतरण हो गया। मुझे आज बेहद खुशी है।